सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी आईएएस। और हम वापस आ गए हैं आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। आज डेट है 5th ऑफ अक्टूबर 2017 और देखते हैं पीआईबी आज हमारे लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाया है। तो आज की सबसे पहली न्यूज, हमारे प्रेसिडेंट हैं इस समय इथियोपिया में, क्योंकि वहां चल रहा है इंडिया इथियोपिया बिजनेस डायलॉग इन अडिस अबाबा। ये 12th एनिवर्सरी है ऑफ इंडिया बिजनेस फोरम इन अडिस अबाबा और आज ये एनिवर्सरी मनाई गई थी। इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डेवलप करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कभी भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो पहली चीज़, हमारी कंट्री और जो इथियोपिया है वो बहुत ही पुराने से ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे हैं। जो ट्रेड रिलेशंस हैं बिटवीन इथियोपिया एंड इंडिया फ्लरिश ड्यूरिंग द एंशियंट ऑक्सोमाइट एम्पायर फ्रॉम द 1st century AD। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ आर bilateral कमर्शियल engagement इज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन ट्रेडर्स कमिंग टू द ancient रेड सी पोर्ट ऑफ Odalis टू ट्रेड सिल्क एंड spices फॉर गोल्ड एंड आइवरी। तो यहाँ पे बाटर सिस्टम जब होता था उस समय पर हमारे लोग रेड सी के आसपास जाकर इन इथियोपिया के लोगों के साथ बाटर सिस्टम के थ्रू हम लोग उनसे गोल्ड एंड आइवरी ले लेते थे और अपना सिल्क और स्पाइसेस उन्हें देते थे। अगर बात करें तो इंडिया इज नाउ अमंग दी टॉप 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इथियोपिया। इंडिया इन्वेस्टमेंट हैज़ मेड अ मार्क इन टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, वाटर मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी एंड ICT, एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर। तो हम टॉप 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स में हैं इथियोपिया के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो। और जो इथियोपिया है वो सबसे बड़ी रेसिपिएंट है ऑफ इंडिया कंसेशनल लाइंस ऑफ क्रेडिट जो हम अफ्रीका को देते हैं, विद ओवर $1 बिलियन कमिटमेंट टू प्रोजेक्ट्स इन पावर ट्रांसमिशन एंड शुगर। तो यहाँ पे हम लोग इथियोपिया का एक बारी मैप स्टडी भी देखेंगे। तो आप सबसे पहली चीज़ याद रखना कि इक्वेटर से इथियोपिया पास नहीं करता है, ये इक्वेटर से ऊपर पड़ता है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इसके साथ साथ अगर इथियोपिया की बात करें तो उसकी कैपिटल है एडिस अबाबा, जहाँ पर 2013 में WTO की समिट भी हुई थी। और इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो टच करती है सोमालिया से, केनिया से, सूडान से, इरिट्रिया से एंड डिजिबोती से। एंड जो लेक टुर्काना है वो वन ऑफ द लैंड बाउंड्री क्रिएट करती है, उसके जो एक एज है बिटवीन केनिया एंड इथियोपिया। और जो इथियोपिया है वो किसी भी कोस्ट लाइन से टच नहीं करती है, आपको याद रखना है। आपको चाहे स्क्रीन पे दिख रही है रेड सी, गल्फ ऑफ एडेन, इंडियन ओशन, पर इथियोपिया टच नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं पर्यटन पर्व के ऊपर। तो पर्यटन पर्व ऑर्गेनाइज होना आज से चालू हो गया है और ये 5th से 25th ऑफ अक्टूबर 2017 तक चलेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कोलैबोरेट करती है विद द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स और फिर ऑर्गेनाइज किया जाता है ये पर्यटन पर्व। बेसिक जो इसका मकसद है कि हम लोग शोकेस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं टूरिज्म के, हम लोग शोकेस करेंगे अपना कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड री इन्फोर्सिंग द प्रिंसिपल ऑफ टूरिज्म फॉर ऑल। यहाँ पर जो पर्यटन पर्व है उसके अंदर टोटल 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, तो इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, देखो अपना देश। हम लोग एनकरेज करेंगे हमारे इंडियंस को ही कि आप पूरी कंट्री में विजिट करो, अपनी खुद की कंट्री की डाइवर्सिटी, जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ पे जाकर देखो। उसको हम लोग दिखाने के लिए वीडियोस, फोटोग्राफ्स, ब्लॉग कंपटीशन, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके सबको बताएंगे कि हमारे देश में क्या क्या अच्छी अच्छी घूमने लायक जगह हैं। और यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर। सेकेंड है टूरिज्म फॉर ऑल। यहाँ पे टूरिज्म इवेंट्स एट साइट्स अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन द कंट्री ऑर्गेनाइज होंगे, जिसमें एक्टिविटीज ऑफ दीज साइट्स इंक्लूड्स इल्यूमिनेटिंग इन एंड अराउंड द साइट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफ डांस, म्यूजिक, थिएटर, स्टोरी टेलिंग, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम फॉर स्टेक होल्डर्स अराउंड द साइट्स, साथ साथ टूरिज्म एग्जीबिशन, अपना कल्चर शोकेस करेंगे, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट, जो भी उस पर्टिकुलर प्लेस की खासियत है उन सबको शोकेस किया जाएगा। लास्ट है टूरिज्म एंड गवर्नेंस। यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशंस एंड वर्कशॉप होगी विद द स्टेक होल्डर्स ऑन वेरियस थीम्स, जैसे स्किल डेवलपमेंट इन टूरिज्म सेक्टर, इनोवेशन इन टूरिज्म, फॉर इंडक्शन इन एक्स सर्विसमैन एज सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर टैक्सी ऑपरेशन, डेवलपिंग रूरल टूरिज्म इन लोकेशन नियर एस्टैब्लिश्ड डेस्टिनेशन एंड कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप ऑन होम स्टे एंड बी अपॉर्चुनिटीज़। बढ़ते हैं बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की तरफ।
तो यहाँ पर हमने एक और फिनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ 300 मिलियन पाउंड, जो कि फिनेंस करेगा हमारा बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज सेकंड की लाइन R6 को। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि जो बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो फेज टू है वो जॉइंटली फिनेंस किया जा रहा है बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसका एक निक नेम है, वो है नम्मा मेट्रो। नम्मा मेट्रो का मतलब होता है आर मेट्रो, हमारी मेट्रो। बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। तो हमारे पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इनॉग्रेट किया है उमिया धाम आश्रम, जो कि है हरिद्वार में लोकेटेड है, थ्रू दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपको इसमें नाम याद रखना है कि उमिया धाम आश्रम कहाँ पे लोकेटेड है, एंड द आंसर इज हरिद्वार। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे पीआईबी की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।